बैक टू माई चैनल। कैसे हो आप सभी? मैं बहुत अच्छी हूँ। और गाइज, आजकल सडनली हमारे प्लान्स बनते जा रहे हैं कहीं ना कहीं जाने के। कल रात को भी हम घूम के आए थे आपको कि हम लोग जा रहे हैं खाटू श्याम। सुबह प्रेरणा का कॉल आया था तो उसने बोला, मम्मी को बोला था उसने कि मम्मी मन कर रहा है कहीं बाहर चलने का, तो हमने कहा चलो चलते हैं। तो फिर हम सब खाटू श्याम जा रहे हैं, काफी सारे लोग जा रहे हैं, और जब सब जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी। बट अभी मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, और मौसम बहुत अच्छा हो रहा है गाइज। बाहर बारिश हो रही है, आप लोगों को उधर बारिश हो रही है नहीं बताना आप लोग भी। बाकी एक दो दिन से मौसम बहुत ठंडा ठंडा है, अच्छा लगता है। तो अभी हम जा रहे हैं नहाने के, हम नहीं सॉरी मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, और उसके बाद देखते हैं क्या पैक करना है क्या रखना है। और अभी तो गाइज मैं सूट पहन के जा रही हूँ। वैसे प्रेरणा ने बोला नाइट सूट पहन लेते हैं क्योंकि अभी जाके हम सोएंगे ही, क्योंकि गाड़ी चला के जाओ तो फिर थक जाते हैं काफ़ी। हम लोग तो नहीं, जो चला के जाते हैं पुनीत और जीजू, तो वो लोग थक जाते हैं। तो फिर हमने कहा कोई बात नहीं, बट हम रात को रुक जाएंगे होटल लेके स्टे कर लेंगे, और फिर नेक्स्ट डे हम लोग खाटू श्याम जी मंदिर जाएंगे। उसके बाद हम उसी दिन वापस आएंगे, अगले दिन आएंगे, वो हम तभी देख लेंगे। तो अभी हम चल रहे हैं, और कपड़े तो वैसे एक दो जोड़ी मैं तो एक्स्ट्रा रख ही लेती हूँ, बिकॉज हमें वीडियो बनानी होती है तो एक दो आउटफिट एक्स्ट्रा हो तो हो जाता है। बाकी अभी के लिए ना गाइज मैंने अपना ये वाला सूट निकाला है, जो कि काफ़ी टाइम पहले मैंने सिलवाया था, बट मैंने बहुत कम पहना है तो मे बी आप लोगों को पता भी नहीं होगा। वैसे अभी तो मैं जा रही हूँ बीना आंटी के पास इसे प्रेस के लिए देने के लिए। मैं जब तक नहाऊंगी बीना आंटी प्रेस करके मेरे घर भिजवा देंगी, और उसके बाद मैं मिलती हूँ आप लोगों से, बताती हूँ गाइस कि मैंने क्या क्या रखा है। और आप लोग कैसे हो सब लोग बताना कमेंट कर। चुकी हूँ नहा के, और गाइस मैंने आपको दिखाया कुछ और था पहनने के लिए, और प्रेस भी उसी को करवाया था, बट जब नहाने जा रही थी तो मैंने कुछ और निकाल लिया था पहनने के लिए कोट सेट, और अब जब मैं नहा के आई हूँ तो गाइस मैंने ये पहना। गाइस मेरा मन ही नहीं करा वो पहनने का, मैंने सोचा यार बारिश का मौसम हो रहा है सूट क्यों पहनूं, फिर कहीं चिप चिप हो, और वो कोट सेट जो निकाला वो मेरा मन नहीं करा। फिर मेरे को पसंद आई ये मेरे भाई की टी शर्ट और मेरी लूज लूज पैंट, और फिर मैंने कहा चलो आज मैं ये पहन के जाने वाली हूँ। तो अब मैं हो गई नहा के रेडी, अब बस मेरे को अपने कपड़े निकालने हैं फटाफट से। तो चलो कपड़े निकालना पे हो चुके, मम्मी की पैकिंग स्टार्ट। मम्मी मैं नहीं खुलेगा, मम्मी छतरियाँ क्यों रख रही हो आप? मम्मी के मुँह में पाउडर चला गया। इसको देखने, इसको कैसे टी शर्ट पहना दी आज? टट्टे टट्टे क्या बोल रहा है? टट्टे 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 मेरा बेटा। इस कोमल भी नहा के तैयार होके आ चुकी है, अब और नहला दूंगी तुझे। अब चलो गाइस मैं भी निकालती हूँ अपने शर्ट, बैग पैक कर। चुन्नी ये रही ना शायद? नहीं है, सूट है तूने इसमें तो उसने ले ली थी बेटा। मम्मी आपने मेरा पूरा सेट रखा, क्या मतलब है कोई चीज में रखती हूँ एक्स्ट्रा? तो अच्छा तो मैं पूछ रही हूँ, अगर आपने पूरा सेट रखा हुआ तो मैं कुछ और नहीं नाइट के लिए रखूंगी तेरा? उस मैंने एक्स्ट्रा में कुछ रखती हूँ, कहीं निशी को प्रॉब्लम हो जाती है कुछ हो जाती है वो मेरा है मम्मी, तो उसको आता है उसको पसंद है, इसलिए हमेशा रखती हूँ जाती है। अच्छा तो गाइज ये मम्मी दिखाना मेरा ब्लाउज। तो गाइज ये ना मैं ना सोच रही हूँ कल एक साड़ी पहन लूँ वहाँ पे, तो अगर मुझे टाइम लगा या फिर बारिश का नहीं हुआ ना तो मैं ये साड़ी पहन लूंगी। ये नहीं इसका... सकते क्यों? तो इतने लगधड़ो तो मुड़ते नहीं हो, तो नहीं लाएगी। एक तो ये है और एक ये इसकी साड़ी है, बाकी रेडीमेड साड़ी है। ये इसका ब्लाउज, और एक मैं रखने वाली हूँ ये वाला सूट जो कि बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। तो एक सूट ये रहा ना हो चुकी है कम्प्लीट, दोनों के न्यू शूज, मेरे कपड़े, आपकी सलवार और वो लाना है वो खिलाना है। क्या कर रही है देखो, ये ना 5-6 बार कर चुकी है, तो मैंने कहा चलो अब आपको दिखाते हैं। अब इसके गले लगी है गाइस, अब वापस वहाँ जाएगी पूरा पीछे और टच करके आएगी इसको, और फिर वहाँ से आके फिर कोमल के गले लगेगी। अभी मेरे साथ कर ली। सब लोग आ चुके हैं हमारे घर पे। गाइस प्रेरणा इतनी बड़ी धोखेबाज है ना, इतनी बड़ी। मैंने इससे पहले पूछा कि बहन तू क्या कपड़े पहन रही है, तो कह रही नाइट सूट पहन रही हूँ, नाइट सूट पहन रही हूँ। मैंने कहा चल ठीक है नाइट सूट पहन रही, मैं भी हल्के से डाल लेती हूँ। अब गाइस सूट पहन के चौकटा चमका के आ गई, इतनी तेज है। गाइस अभी इसकी पट्टी चेंज हो रही है, कल से करवाई नहीं तूने? कल भी क्यों डॉक्टर पे गए, मम्मी से ही करवा लेते फिर। इसको देखो पापा की लाडली, इसके पापा को ले लो। नहीं भूल गए हमारे साथ कौन कौन जा रहा है। तो गाइस यहाँ पे जीजू जा रहे हैं, और ये रे जीजू ने गाड़ी इतनी दूर खड़ी करी, और इसे देखना वशु जा रही है, मौसी जा रही हैं, और ताई जी जा रही हैं, प्रेरणा की ताई जी, और जीजू जा रहे हैं, मम्मी जा रहे हैं, कोमल जा रहे हैं, और कोमल जा रहे हैं, मैं जा रही हूँ, पुनीत जा रहे हैं, पुनीत जा रहा है, और पुनीत की मम्मी जा रही हैं, और दिव्या दीदी जा रही हैं, और नोना
जी सब रेडी। पापा दवाई दे के बेच रहे और लहसुन दे के बेच रहे हैं। देखो जरा कितना वजनदार सब्जी है। पापा और अंशु घर पे है गाइस, क्योंकि ये लोग हमारे तो ये जब घर पे है तो फिर क्या समझ से बाहर। बाय पापा। बाय बाय जी। बाय बाय मेरी यार। बाय भाई तेरा। भाई तेरा गाइस, अब मेरे भाई को तो पता नहीं जब से जिम करने लगे क्या क्या खाता है क्या क्या नहीं खाता। बाय भाई। भाई 500 रुपए दे के जा। गाइस को देखो ये अपना अलग 500 रुपए दे के जा। ये लोग देखो। अरे ये तो दिख ही नहीं रही दोनों की, तो तुम दोनों तो दिख ही नहीं रही। हाँ ये रही अब दिख रही है। अब दिख गए क्या? हाँ अब दिख गए। तो गाइस हम पुलिस भैया के घर आए हैं। तो अभी हम पुलिस के घर आए हैं। मैंने बोल दिया कॉलेज गर्ल के साथ जा रहे हैं हम लोग सारे। देख देख कितनी खुश हो रही है। दो दिन घर में मौज मारेंगी ना अकेले। दो दिन क्या, कल तुम आने ना क्या? भाई कल तो मारोगी ना पूरा दिन मौज अकेले अकेले। अब आ चुका है यहाँ पे, अपना सामान सेट कर रहे हैं हम, दीदी का और आंटी का और पुनीत का। दिव्या की जा रही है हमारे साथ, वो आ रहे हैं बट अभी, और इसके बाद हम चलते हैं। और रेखा दीदी ने खाना भी बना के दिया है गाइस, ने पुलाव। निकल चुके हैं सारे अब जाने के लिए। जीजू नहीं पहुंच गए, उन्होंने उनका कॉल आया था अभी कि हमने झंडे वाला मंदिर क्रॉस कर लिया। मुझे लगा वहीं पहुंच गए, खाटू श्याम पहुंच गए। नहीं तो अभी हम निकल चुके हैं गाइस। इतनी स्टैंडर्ड हाई वाली लड़की को अपने साथ लेके गाइस, ऐसी ऐसी बातें कर रही है ना हम लोगों के साथ, क्या बताए गाइस आपको। पहली बार सुन रहे हैं, पहली बार चॉकलेट लेके चल रहे हैं गाइस हम। तो बाकी गाइस चलो मिलते रहेंगे रास्ते में, जाते रहेंगे मस्ती करते करते। पहले हम अपनी दूसरी गाड़ी तक पहुंच जाए, उनको भी पकड़ ले, उसके बाद आपको सब दिखाते रहेंगे और मिलते रहेंगे आप लोगों से साथ साथ, और आप लोग भी बने। हम आए यहाँ पे ओल्ड राव होटल, यहाँ रुके हैं क्योंकि वो लोग भी रुके थे, तो हम लोग थोड़ा पीछे रह गए थे, तो उनका कॉल आया था, तो ये खड़ी हमारी दूसरी गाड़ी, और तो हमने ये गाड़ी दूर से दिख गई थी हमें, तो हमने कहा चलो सब यहीं रुके हुए हैं तो चलते हैं। अम्मी प्रेरणा का कॉल आया था, कह रही बहन बहुत ज़्यादा लाइटिंग हो रही होगी, भाई आना है। मैंने कहा ठीक है बहन आ रहे हैं चलो। तो इसमें सीरियसली बहुत ज़्यादा लाइटिंग हो रही थी गाइस। चुके यहाँ पे और सब लोग हैं, बहुत अच्छी लाइटिंग हो रखी है, और मेरा बच्चा खेल रहा होगा वहाँ पे। गाइस कैसे खेल रहा है मेरा बच्चा, मैं आपको दिखाती हूँ अभी। नोना नोना मम्मा आ गई, मम्मा आ गई, मम्मा आ गई। चाले इधर आ जरा, मेरा बेटा पारा छा। नहीं 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 कहाँ जा रहे बाग बाग के वहाँ पे, कहाँ पे गाइस देखना इसको। नोना कोमल आ गई, कोमल नोना कोमल आ गई, बोरी कोमल कोमल आजू गाइस। बाकी ये बैठे जा रहे हैं ये आंटी से, आंटी बहुत बोर हो रही थी अकेले। बैठे हम सारे खाने के लिए कुछ, सबको तो मोस्टली चाय पीनी है, बट हाँ किसी किसी को भूख लगी है, तो उनके लिए मम्मी ने कुछ हल्का फुल्का खाने का ऑर्डर भी दिया है। बट मेरा तो गाइस पता नहीं क्यों कुछ ना स्वीट खाने का मन कर रहा है, कुछ मीठा खाने को मिल जाए मुझे, मुझे स्वीट खाने की क्रेविंग हो रही है। बट यहाँ पे पता नहीं आइसक्रीम वगैरह के ऑप्शंस है नहीं, और चॉकलेट खाने का मेरा मन है नहीं, कुछ पेस्ट्रीज वगैरह बट इस टाइम अवेलेबल नहीं होंगी, तो पता नहीं गाइस मैं क्या करूँ। यहाँ पे आ चुका है खाना और सबकी प्लेटें लग रही हैं। चावल ये दीदी ये ले लेगी, एक प्लेट और मांग ले तो ठंडी हो जाएगी। हाँ मांग लोग चेंज, क्योंकि आंटी हमारे साथ अकेले बोर हो रही थी, उनको जाना था कि मैं भी सारी आंटियों के साथ बैठूं तो हम बातचीत कर सके अपना गपशप, तो इसलिए प्रेरणा आ गई है यहाँ पे एंड हम आ गए हैं सारे यहाँ पे, और चलो चलते हैं गाइस प्रेरणा की वीडियो में। पहुँच चुके हैं खाटू श्याम जी के
मौसम आज का हो रहा है बहुत ज्यादा खराब, और बाकी देखते हैं गाइस आगे हमने क्या करना है, क्योंकि अभी हम सबसे पहले पहुंचे हैं तो गाइस 5:30 हो रहे हैं। बट सबसे पहले हम कुछ रूम वगैरह लेंगे, और रूम लेने के बाद फिर हम घर जाएंगे, और रूम लेने के बाद हम लोग घर जाएंगे, और उसके बाद ही रूम लेने के बाद घर नहीं जाएंगे सॉरी रूम लेने के बाद हम जाएंगे कहीं मीन्स मंदिर, और उसके बाद रेडी हो गई बिकॉज अभी तो सारे ऐसे ही आए थे। तो चलो गाइज मिलते हैं आप लोगों को न्यू व्लॉग के साथ, और बहुत ज्यादा नींद में झूम रहे हैं हम लोग, बट मुझे नहीं आ रही नींद बिल्कुल भी, मुझे तो आ रही है बट गाइज बहुत तेज। तो चलो करते हैं व्लॉग का एंड, आपसे मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, और लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। बाय बाय, लव यू।